नमस्कार दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। मित्रों, घर की सफाइयां चल रही हैं, मन की सफाइयां भी आप लोगों की चल रही होंगी। मैं साइंटिफिकली भी आपको बताना चाहता हूं, जब आप घर की सफाइयां कर रहे हैं तो दोस्तों अपने घर के सामान को मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने से क्या होता है, ये रिसर्चेस हैं कि जब हम चीजों को मिनिमाइज करते हैं, जैसे कपड़े अपने पास 7 जोड़ी हैं, तो 8 जोड़ी, 8वीं जोड़ी की जरूरत नहीं है। 8वीं खरीदें तो 1 पहले दे सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पास, हम जब ये मिनिमाइज करते हैं चीजों को, तो हमारा ये जो कॉग्निटिव माइंड होता है, जो कि इंटेलिजेंट माइंड होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो डिसीजन मेकिंग बन जाता है। और नहीं तो हमारा जो दूसरा माइंड है, लिम्बिक माइंड, जो कि इमोशनल ब्रेन कहलाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, इमोशन और इम्पल्सेस में चलता है। और जो कॉग्निटिव माइंड है, वो इंटेलिजेंट माइंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने पास ज्यादा कपड़े हैं, तो सुबह हम ये सोचेंगे कि हमें कौन सी पैंट पहननी है, कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी टी शर्ट पहननी है। तो आपके पास चॉइसेस हैं। जब आपके पास चॉइसेस होती हैं, तो आपका जो इंटेलिजेंट माइंड है, जिसको हम कॉग्निटिव माइंड बोलते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी इंटेंशन कम हो जाती है, तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाता है, और लिम्बिक माइंड जो है एक्टिवेट हो जाता है, दिन भर आप परेशान रहते हैं। मित्रों, ऐसा ही जब हम होटल में जाते हैं, मीनू होता है, आप ज्यादातर मार्क करिएगा कि मीनू में जो रेयर चीज होगी उसी का आप ऑर्डर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो चॉइस वाला पार्ट है, उसकी वजह से जो इंटेलिजेंट माइंड है, जो हेल्दी फूड लेने का आशिक है, हेल्दी फूड के लिए आपको मोटिवेट करेगा, वो वीक हो गया। मित्रों, ये साइंटिफिकली चीजें हैं, अपने घर के फालतू सामान को एलिमिनेट करें, फालतू कपड़े, फालतू किताबें, सब को एलिमिनेट करके लिमिटेड रखें, जिससे कि आपको चॉइस ना मिले। जिसके पास 2 कोट है, 2 सूट है, उसके पास क्या चॉइस है? वो एक दिन एक पहनेगा, एक दिन दूसरा पहनेगा, या 2 दिन एक पहनेगा, 2 दिन एक पहनेगा। मित्रों, अपने इंटेलिजेंट माइंड को एक्टिवेट करें और अपने चीजों के सामान को कम करने की पूर्ण कोशिश करें। यही एक संदेश मेरा दिवाली के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों।